हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एमडी साइम, और डेली बेसिस पे फ्री जॉब्स इन्फॉर्मेशन आप तक मैं फॉरवर्ड करता हूं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स, बड़े बड़े हाइपरमार्केट्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की साइट से होती हैं। बिल्कुल फ्री में जो वैकेंसीज़ किसी भी कंपनी में अनाउंस होती है, मैं आप तक ला करके आपको बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है और ये कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरह से दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, अल-फुट्टैम, आपने नाम सुना होगा, जिसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के नाम से कुछ जो एजेंट लोग हैं वो फ्रॉड भी करते हैं, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह, आपके डिटेल्स को चुरा लेते हैं और आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, एक तो डीपी वर्ड और एक अल-फुट्टैम के नाम से आपको भेजते हैं। फिर आप पैसा उन्हें भेजते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखिए, ये कंपनी या कोई भी कंपनी आपको पहले अगर ऑफर लेटर प्रोवाइड करे इंटरव्यू से, तो समझ लीजिएगा ये फेक कंपनी है, ये फेक बंदा है, कंपनी फेक नहीं है, क्योंकि कंपनी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा कैसे इनके सीवी डाटा में अपना सीवी को आपने सबमिट करना है। चलिए आगे से वीडियो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। 15 to 20 days एज यूजुअली सारी जॉब्स की वैलिडिटी होने वाली है। वैकेंसीज की जो पहली लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें नेशनल कॉपी राइटर, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, एनालिस्ट चाहिए, सर्विस मैनेजर चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए डिजिटल डिपार्टमेंट में, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, BI डेवलपर चाहिए, क्लाइंट रिलेशंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, मेंटेनेंस असिस्टेंट चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर की भी यहाँ पर डिमांड आई हुई है। ये एक लिस्ट हो गई इस कंपनी में, और जो सेकंड लिस्ट है वो भी देख लेते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पेशेंट्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव चाहिए दोस्तों, सेल्स कंसल्टेंट चाहिए, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस ऑडिटर चाहिए, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव CGD डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, सर्विस एडवाइजर की भी यहां पर डिमांड है। ये दो लिस्ट हो गई। तीसरी जो लिस्ट है वो भी देख लेते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और चाहिए दोस्तों, ब्यूटी एडवाइजर चाहिए, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, फर्स्ट ऑफिसर की भी यहाँ पर डिमांड है। वैकेंसीज इनके अलावा और भी बहुत सारी है, 100+ वैकेंसीज है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो ये सैलरी बेनिफिट्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें अच्छी सैलरी, अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड, एयर टिकट्स, वीज़ा और अदर एज पर UAE लेबर लॉ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। बाकी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है, उसका नाम अल-फुट्टैम मैंने आपको बता दिया। UAE में हायरिंग चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, वैसे सेलेक्टिव नेशनलिटी है, इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, 2000 से 8000 दरम सैलरी और स्टैंडर्ड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले लिंक पर क्लिक करिएगा, अगर आप UAE में अवेलेबल हैं तो सेकंड लिंक पर क्लिक करिएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं www.realjobsindubai.in। इतना करने के बाद आपको पहले पेज पर इस कंपनी की, अल-फुट्टैम कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जा करके समझाता हूँ, बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, लिंक पे क्लिक करके हम आ चुके हैं अल-फुट्टैम कंपनी की पोस्ट पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा इमेज यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ डिटेल्स अल-फुट्टैम कंपनी के बारे में यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ें आपके काम आए। अब जो लिस्ट है वो मैंने आपको अभी दिखाई दी, ये वैकेंसीज फिलहाल अवेलेबल है, इससे ज़्यादा ही वैकेंसीज और मैं आपको भी दिखाऊंगा। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबमिट CV ऑनलाइन, इस पर क्लिक करने से पहले आप सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें, देन आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इनके LinkedIn पेज पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हो चुके हैं। यहाँ पर ये जॉब्स आप देख लेंगे जिनके लिए भी आपको अप्लाई करना है, लगभग 111+ जॉब्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और UAE में भी काफी सारी, मोस्टली जो है UAE में है। अब सपोज करिएगा सेकंड वैकेंसी है एनालिस्ट, हमें इसके लिए अप्लाई करना है, तो इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं साइड में इसकी काफी सारी डिटेल्स आ रही हैं, तो इन्हें आपने बहुत ही अच्छे से रीड आउट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अकाउंटेबिलिटीज हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस, जॉब्स की क्वालिफिकेशन, स्किल्स, क्या ये डिमांड कर रहे हैं, वो चीज आपने अच्छे से पढ़नी है, देन आपने CV तभी सबमिट करना है। CV इसी वैकेंसी के साथ जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से बनाना है। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। सपोज करिएगा मैंने यहां पर अप्लाई पे क्लिक करा। अब यहाँ पर आपको छोटा सा अकाउंट अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा। अब ये डिटेल्स और उसमें आ गई है, ठीक, ये अच्छा आप रीड आउट कर लेंगे, देन आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। ये सब करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको दोबारा एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको CV डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सभी कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे CV यहां पर आपको अपलोड करना है,
फिर आपको अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। फिर ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये 5 पॉइंट जो है ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन प्रोफाइल वाले पॉइंट को तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। ठीक, ये सब डिटेल्स तो आपको डालनी ही पड़ेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिटी है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है और कंट्री ऑफ ओरिजिन है वगैरह वगैरह, ये सब आप फिल कर लेंगे। बाकी सब ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो लास्ट वाला डिटेल है जॉब्स वीज़ा स्पेसिफिकेशन, ये कंपलसरी है, ये आपको, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो जिसमें आपको करंट सैलरी आपकी क्या है और कितनी सैलरी आप कंपनी से चाह रहे हैं जिस पोस्ट के लिए भी, ठीक। और आपका इसमें पूछा गया आर वी ए प्रीवियस एफ, यानी कि आप एम्प्लॉय इस कंपनी में पहले एम्प्लॉय है, येस और नो के साथ इसमें आप आंसर कर देंगे येस और नो के साथ, ठीक, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी राइट हो वो कर देंगे। फिर इसमें यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, अगर है तो ठीक है लिख देंगे। और इसमें लिखा है व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी विद, अगर इसमें कुछ आपका है तो लिख देंगे, अदरवाइज नो, और नो सिर्फ नो का, नो से भी आप आंसर दे सकते हैं। देन आपने अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ये सब फिल करने के बाद, ठीक। तो इतना तो आई होप कर लेंगे दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर आपको मैं, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मैं साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं यहाँ पर साइन आउट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ये वैकेंसी को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। सिंपल से प्रोसेसर में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को क्रिएट करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है, ये 4-5 स्टेप्स को फॉलो करके, जिसमें आपको देखिए पासवर्ड का ध्यान रखना है, कम से कम 8 करेक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा 20 हो, और पासवर्ड में एक अपर लेटर कैस हो एक लोअर लेटर, यानी कि एक अल्फाबेट तो आपका बड़ा हो बाकी आप छोटे यूज करिएगा। और इसमें कम से कम एक यूनिक करेक्टर, जैसे कि करेक्टर्स होते हैं हैशटैग या फिर एट द रेट या फिर एंड वगैरह, इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं उन सबको आप यूज करके पासवर्ड को क्रिएट करिएगा। और क्रिएट करने के बाद अपना नाम, लास्ट नेम, जिस कंट्री में आप रहते हो आपका फोन नंबर, और जिस कंट्री का आप रेसिडेंस हो उसका, उसकी डिटेल्स, और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये काम आपको खुद करना है और ये वैकेंसीज के लिए आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। वैकेंसीज काफी सारी है, मैंने कुछ ही आपको बताई है लेटेस्ट अपडेट, बाकी आप खुद चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और इस वेबसाइट पे यहाँ पर आपको देख सकते हैं साइड में दो ऑप्शन है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का और एक आपको टेलीग्राम चैनल का, दोनों को ही सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पूरा प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कैसे आईडी क्रिएट करनी है, कैसे सीवी सबमिट करना है, कैसे प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन डालनी है, और कुछ पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो जो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन जो कंपलसरी पॉइंट होते हैं स्टार वाले, रेड स्टार वाले, वो आपको फिल करने ही पड़ते हैं। कैसे भी करके कुछ ना कुछ आपको डालना ही पड़ता है, अदरवाइज आपका डाटा जो है इस कंपनी में सबमिट नहीं होगा, ध्यान रखें। तो अच्छे से अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो हमारे सोशल लिंक्स को आप सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएगा। और पहली बार आए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।